हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कोडन बायोलॉजी में। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्पेशल क्लास बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में। अब नो डाउट इस बार का टॉपिक है इकोलॉजिकल नीच। कुछ क्वेश्चन हमें मेल में आए हैं तो इस बार हम उसको सॉल्व करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे इकोलॉजिकल नीच के बारे में। क्या है इकोलॉजिकल नीच? द वे इन विच एन ऑर्गेनिज्म फिट्स इन टू एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी और इकोसिस्टम। क्या रोल है आपका, आप कैसे फिट होते हैं इकोसिस्टम में, यही है आपका इकोलॉजिकल नीड्स। इच स्पीसीज ऑक्यूपाई ए नीड्स इन द कम्युनिटी। सभी स्पीसीज का अपना एक नीड्स होता है। ए नीड्स इज द रोल द स्पीसीज प्ले एंड द इंक्लूड टाइप ऑफ फूड इट ईट्स, वेयर इट लाइव्स एंड वेयर इट रिप्रोड्यूस एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर स्पीसीज। इसको मिला जुला रूप को एक नीस है कि आप एक कम्युनिटी में रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, वही नीस है। आप अपना नीस भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो नीस कैसे बना? सबसे पहले इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन से नेचुरल सिलेक्शन हुआ, नेचुरल सिलेक्शन के बाद जो उसका एरिया बना वो बना उसका नीस। और ये नीस किससे घिरा होता है? तीन चीजों से, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजिकल एंड द बिहेवियरल अडेप्टेशन। एक्चुअल हम लोग नीस किसको कहेंगे? द नीस आइडेंटिफाई द रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स कम्युनिटी और द वे ए स्पीसीज मेक्स इट लिविंग वे। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि नीस और हैबिटेट में क्या अंतर है। नीस क्या है? द रोल एन ऑर्गेनिज्म प्ले इन द एनवायरमेंट, यानी कि जॉब है आपका। हैबिटेट क्या है? वेयर द ऑर्गेनिज्म लाइव्स, मीन्स एड्रेस। तो नीस है आपका जॉब और हैबिटेट है आपका एड्रेस। सिंपली समझना है, फिगर से समझते हैं। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अपना एक न्यूट्रिशन का पार्टीशन कर दिया गया, रिसोर्स पार्टीशन कहते हैं इसको। इसका अलग स्ट्रक्चर है, इसके बीक का अलग स्ट्रक्चर है, इसके बीक का अलग स्ट्रक्चर है। सबका अपना अपना एक नीस डिवाइडेड है कि ये यहाँ पर फूड लेंगे, यहाँ पे फूड लेंगे, यहाँ पे फूड लेंगे और ये यहाँ पे फूड लेंगे। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अपना एक नीस होता है। विद इन द ऑर्गेनिज्म भी नीस होते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे विद इन पॉपुलेशन में कैसे नीस डिटरमाइन होता है। अगर इस ट्री का बात करें तो इसमें तीन लेवल है। अपर लेवल पे जो रहता है उसका नीस ये है, जो लोअर लेवल पे रहता है उसका नीस ये है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो मिडिल में रहते हैं बर्ड्स, उसका नीस ये हो। तो नीस क्या हुआ? ईच मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी गैदर्स फूड इन ए यूनिक वे। ये क्यों नीस अलग अलग हुआ? क्योंकि इसका फूड गैदर करने का जो तरीका है वो यूनिक है। अगर ये चाहेगा कि यहाँ पे फूड लें, ये नहीं ले सकता, क्योंकि इसका जो बीक है वो अलग स्ट्रक्चर का है, इसका बीक अलग स्ट्रक्चर का है। इसके लिए एक प्रिंसिपल है जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें कहता है कि नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम नीस इन द सेम इन्वायरमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर कोई दो स्पीसीज एक ही नीस में ग्रो करने लगे तो बहुत समय तक ग्रो नहीं कर सकता। इसी को कहते हम लोग कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। चलिए अब समझते हैं फंडामेंटल नीस और रियलाइज्ड नीस में क्या अंतर है। फंडामेंटल नीस का मतलब फुल पोटेंशियल रेंज ऑफ द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर ए स्पीसीज कैन यूज इफ देयर वाज नो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर स्पीसीज। आप जहां तक रह सकते हैं, जहां तक जा सकते हैं, ये आपका पूरा फंडामेंटल नीस है। ये थियोरिटिकल है विदाउट कॉम्पिटिशन, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता। तो रियलाइज्ड नीस क्या है? पार्ट ऑफ स्पीसीज फंडामेंटल नीस दैट आर एक्चुअली यूज्ड, उसको हम लोग कहते हैं रियलाइज्ड नीस। तो रियलाइज्ड नीस नैरो होगा अगर वहां पर अदर कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनिज्म होगा, अगर सुपीरियर कॉम्पिटिटर होगा तो और भी नैरो होगा। मतलब ये प्रेशर से क्रिएट होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के इंट्रैक्शन से जो प्रेशर होता है उससे क्रिएट होता है रियलाइज्ड नीस। और जितना कॉम्पिटिटर सुपीरियर होगा उतना ही नीस नैरो होते जाएगा। तो फंडामेंटल नीस होगा या तो इक्वल होगा या तो ग्रेटर होगा रियलाइज्ड नीस के हमेशा। तो हम लोगों ने तीन बातें पढ़ी, इकोलॉजिकल नीस, ऑक्यूपेशन वे ऑफ लिविंग है, हैबिटेट क्या है, एड्रेस है, वेयर इट लाइव्स, फंडामेंटल नीस क्या है, थियोरिटिकली विथ नो कॉम्पिटिशन बट इज नॉट पॉसिबल, सो इन प्रैक्टिकली We are learning the realized needs, actual use with competition. ये realized needs है,
ये चार चीजें हम लोगों ने अभी पढ़ा। आरएनए रियलाइज्ड इज फॉर डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीसीज मे डिफर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द कॉम्पिटिटर एंड द प्रीडेटर बिटवीन द लोकेशन। अलग अलग लोकेशन में अलग अलग स्पीसीज के लिए एक ही स्पीसीज का अगर अलग अलग जगह पर है तो उसका रियलाइज्ड और फंडामेंटल नीड्स अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर अलग कॉम्पिटिटर है, वहां पे अलग प्रीडेटर है। चलिए जरा इसको फिगर से एक बार समझते हैं कि क्या है। फंडामेंटल नीड्स को हम लोग प्री कॉम्पिटेटिव नीड्स भी कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि विदाउट कॉम्पिटिशन नो कॉम्पिटिशन, तो उसको प्री कॉम्पिटेटिव नीड्स भी कहते हैं। लेकिन जब कंपटीशन होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेक्शन होता है, तो उसको कहते हैं पोस्ट कॉम्पिटेटिव नीड्स, और ये है आपका रियलाइज्ड नीड्स। अब इस फिगर में अगर देखें तो येलो का पोर्शन जो है ये यहां तक सर्वाइव कर सकता है, लेकिन बेस्ट फिटनेस जो इसको मिलेगा किसी इंडिविजुअल के लिए वो मिलेगा इस एरिया में, ये उसका है रियलाइज्ड नीड्स, यहां ही वो काम करता है, आ सकता है यहां तक। ये येलो एरिया से अगर वो बाहर जाएगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, यानी कि ये इसका फंडामेंटल नीड्स है, यहां तक इसका अधिकार है, ये आ सकता है, लेकिन अगर बेस्ट फिटनेस चाहिए उसको तो वो इस एरिया में रहता है। तो ये हो गया फंडामेंटल और ये हो गया रियलाइज्ड नीड्स। अब उसको कैरेक्टर से या इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस से उसको जोड़ते हैं। पहला है कि अगर फिटनेस को देखें टेम्परेचर से रिलेट करके, तो ये एक ऐसा टेम्परेचर है मिडिल में, ये मिडिल का जो टेम्परेचर है यहां पर सबसे ज्यादा फिटनेस है उसका, मतलब कि इसका फंडामेंटल लेस यहां से यहां लगभग शुरू हो रहा है, इस लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक, लेकिन ये मिड का टेम्परेचर है ये इसके लिए बेस्ट है। अगर इसमें दो चीजें जोड़े तो, अगर दो वेरिएबल हो, एक प्रेसाइज दूसरा टेम्परेचर, अब ये सर्वाइव कर सकता है यहां तक, आ सकता है, लेकिन बेस्ट जो रिप्रोडक्शन होगा, जो फिटनेस होगा, वो यहां पर डिसाइड होगा। ये यहां पर घूम सकता है, सर्वाइव कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, फेवरेबल कंडीशन है, लेकिन अगर उसको फिटनेस बेस्ट चाहिए, हाईएस्ट फिटनेस चाहिए, तो उसको इस एरिया में ही सर्वाइव करना होगा। यहां पर रिप्रोडक्शन है, वो आ सकता है, लेकिन फिटनेस लो है। तो यहां पर अब दो वेरिएबल्स आए, एक तो टेम्परेचर, दूसरा प्रेसाइज। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि ओवरलैपिंग क्या है। पहला है को एक्सटेंसिव, मतलब दोनों साथ साथ रहेंगे, एक स्पीसीज दूसरा स्पीसीज साथ साथ रहेगा। दूसरा है इंक्लूडेड, आप फिगर से बेहतर समझ सकते हैं, एक स्पीसीज यहां से यहां तक सरवाइव करता है, लेकिन दूसरा उसके बस इसी एरिया में सरवाइव कर रहा है। इसके बाद रेसिप्रोकल, मतलब एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे दोनों ओवरलैप करेंगे, ये इसका अपना नीस है, ये इसका अपना नीस है, लेकिन कुछ एरिया जहां पे दोनों ओवरलैप करेंगे। और एक होता है एसिमेट्रिक ओवरलैपिंग, इसका सिमेट्री नहीं है, ये यहां भी आ सकता है, यहां तक भी ओवरलैप कर सकता है, तो ये हो गया ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग इंट्रैक्शन भी है, नॉन ओवरलैपिंग मतलब दोनों नीस सटा हुआ है, ओवरलैपिंग नहीं है लेकिन दोनों नीस सटा हुआ है। नॉन ओवरलैपिंग डिसजंक्ट है, मतलब काफी दूर दूर ये दोनों नीस आपस में जुड़े हुए नहीं है, ये दूर दूर है। अब हम लोग देखते हैं कि नीस ब्रीथ क्या है। अब हम लोग पढ़ते हैं नीस ब्रीथ, ये दो तरह के होते हैं, एक है स्पेशलिस्ट, दूसरा है जनरलिस्ट। स्पेशलिस्ट करने का मतलब है कि इसके पास नैरो नीस होता है, ये देखिए ये बिल्कुल स्पेसिफिक, एकदम स्पेसिफिक है, ये स्पेशल है। लेकिन अगर बात करेंगे जनरलिस्ट नीस का, तो ये इसका विड्थ ज्यादा है, बड़ा है, ये ब्रॉड है। अब क्या अंतर है फिनोटिपिक एंड विद इन फिनोटिपिक कॉम्पोनेंट ऑफ द नीस ब्रीथ। दो कॉम्पोनेंट आए, विद इन फिनोटाइप और बिटवीन फिनोटाइप। विथ इन फिनोटाइप कहने का मतलब है कि ये सेम सेम रहते हैं दोनों, इसका ये ब्रॉड होता है इसका नीश। वन एक्सट्रीम इज दैट ऑल इंडिविजुअल्स व्हिच इज द इंटायर नीश ऑफ पॉपुलेशन, सभी इंडिविजुअल पूरे पॉपुलेशन नीश को यूज कर रहे हैं। और अगर बात करेंगे बिटवीन फिनोटाइप, तो हर उस पूरे नीश में हर एक इंडिविजुअल का एक अपना नीश होगा, ये इंडिविजुअल यहां से यहां तक है, ये इंडिविजुअल यहां से यहां तक यूज करता है, ये इंडिविजुअल यहां से यहां तक यूज करता है, तो हर एक इंडिविजुअल का अपना एक नीश है। तो ये हो गया बिटवीन फिनोटाइप्स। और विद इन फिनोटाइप्स ये पूरे एरिया को ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ये सभी इंडिविजुअल यूज करते हैं पूरे एरिया पॉपुलेशन के एरिया को, यही अंतर है दोनों में। तो ये क्या होगा,
विटामिन फिनोटाइप नैरो होगा, नैरो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन साइज, और ये क्या होगा, ये ब्रॉड होगा, लार्ज होगा इसका भी, इसका नैरो। अब एक और बात बची है छोटी सी, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या है। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब समझिए कि एक नीस यहां से यूज कर रहा है, एक नीस यहां है, तो ये जो ओवरलैपिंग का पोर्शन है यहां पे कैरेक्टर डेवलप करेगा और ये यहीं पर रहेगा जहां पे ओवरलैपिंग है। अगर यहां पर ओवरलैपिंग नहीं है तो वो कैरेक्टर यहां डेवलप नहीं कर पाएगा, और यही ओवरलैपिंग का जो पोर्शन है ये इवोल्यूशनरी चेंज को ड्राइव करता है, और ये लिमिटेड रिसोर्सेस के लिए होता है। इसके लिए हम एक और वीडियो रिलीज करेंगे, एक और वीडियो शेयर करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं जो हमें क्वेश्चन आए हैं उस पर। अगर आप जुड़े हैं बायोलॉजी से तो जुड़िए कोडन बायोलॉजी से, आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब पर कोडन बायोलॉजी के नाम से, आप हमें कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब वीडियो पर, आप हमसे जुड़ सकते हैं मेल के थ्रू, ईमेल प्रोवाइडेड किया गया है, आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक पेज पर codonbiology@p.gaurav kumar, और आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9471455844। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन है दिसंबर 2016 सीएसआर नेट का। यू एब्जॉर्ब द टू स्पीसीज ऑफ वर्निकल्स, स्पीसीज वन एंड स्पीसीज टू, दो स्पीसीज है, ऑक्यूपाई अपर एंड लोअर स्ट्रेटा। मान लीजिए कि अपर और लोअर है दो, तो यहां पर स्पीसीज ए है, यहां पर स्पीसीज बी है। ओनली वेन स्पीसीज टू वेयर रिमूव बाई यू फ्रॉम द लोअर स्ट्रेटा, स्पीसीज वन कुड ऑक्यूपाई बोथ द अपर एंड लोअर स्ट्रेटा फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो, वॉट वुड बी योर इन्फ्रेंस फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन। कहता है कंडीशन कि अगर आपने मैनुअली ए को रहने दिया और बी को यहां से हटा दिया तो क्या होगा, ये ए पूरे में ऑक्यूपाई कर रहा है, यहां भी ए आ जा रहा है, अगर बी नहीं है तो ए दोनों में है। इसका क्या मतलब है कि ए का जो फंडामेंटल नीस है वो यहां से यहां तक है, अगर बी नहीं थी यहां आ सकता है, मतलब फंडामेंटल नीस इसका यहां से यहां तक है। क्वेश्चन देखते हैं, अपर स्ट्रेटा ऑफ इंटरटाइडल रॉक इज द रियलाइज्ड नीस ऑफ स्पीसीज ए। अब अगर फंडामेंटल इसका यहां से यहां तक है, लेकिन ये रहता कहां है यहां पे, मतलब ये ए का रियलाइज्ड नीस है, ये बी का रियलाइज्ड नीस है, और ए का फंडामेंटल नीस के बारे में अगर बात करें कि अगर बी नहीं है तो यहां तक आ सकता है, मतलब ये फंडामेंटल नीस ए का है पूरा, बी का फंडामेंटल नीस के बारे में बात नहीं किया है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर कि अपर स्ट्रेटा ऑफ इंटरटाइडल रॉक इज द रियलाइज्ड नीस ऑफ स्पीसीज वन। और कुछ ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, अपर स्ट्रेटा ऑफ इंटरटाइडल रॉक इज द फंडामेंटल नीस ऑफ स्पीसीज वन, ये गलत है क्योंकि यहां तक आ सकता है, ये फंडामेंटल नीस का बड़ा है। स्पीसीज वन एंड स्पीसीज टू एग्जिस्ट मुचुअलिज्म, ये नहीं है क्योंकि ये इसके बिना भी ये रह सकता है। स्पीसीज वन कैन कम्पीट आउट स्पीसीज टू, ये कंप्लीट नहीं किया, इन्होंने आपने इसको रिमूव किया है मैनुअली, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2013 का क्वेश्चन है, इन ए टू स्पीसीज इंटरेक्शन एज्यूम दैट इट लीड्स टू कंपटीशन इन हैबिटेट ए, ये हैबिटेट ए है मान लीजिए, इसमें कंपटीशन हो रहा है, बट टू फैसिलिटेशन इन हैबिटेट बी, लेकिन ये फैसिलिट कहां हो रहा है, हैबिटेशन बी में। Which of the following is true about the niche of species? अगर ये competition in habitat A है, इसका मतलब है कि ये competition हो रहा है यहाँ पे, ये पूरा इसका fundamental niche है और ये इसका A का realized niche है, competition हो रहा है। अब कहता है but to facilitation in habitat B को लाभ हो रहा है, facilitation हो रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए का एरिया यहां से यहां तक है, तभी तो ये यहां से यहां तक आता है, और ये कंपटीशन के कारण यहीं पर सिमट के रह गया है, इसका ये रियलाइज नहीं हुआ, ये फंडामेंटल नहीं हुआ। बी यहीं तक रहता है लेकिन ये यूज कर रहा है ए को भी, यहां तक इसका एरिया यूज कर रहा है। इस केस में क्या हुआ, अगर इंडिविजुअली देखेंगे तो ए का फंडामेंटल नीस इतना बड़ा है, लेकिन कॉम्पिटिशन के कारण ये इतना में सिमट गया है, ये फंडामेंटल हो गया, ये रियलाइज्ड हो गया। अगर बी के केस में देखेंगे इसका फंडामेंटल इतना ही है, लेकिन ये कंपटीशन करने के लिए यहां तक आ रहा है, तो फंडामेंटल इसका छोटा है लेकिन रियलाइज्डनेस इसका ये कहां तक यूज कर रहा है, यहां तक यूज कर रहा है, इसका ये बड़ा है। ये ऑप्शन है आपका
ऑप्शन ए फंडामेंटल नीड्स आर लार्जर देन रियलाइज्ड नीड्स इन हैबिटेट ए बट अपोजिट इन हैबिटेट बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री आइलैंड हैव आइडेंटिकल हैबिटेट कैरेक्टर. तीन आइलैंड है, एक दो तीन. अब कहता है कि आइलैंड रोडेंट स्पीसीज ए, इसमें स्पीसीज ए है जिसका डेंसिटी है 325 पर किलोमीटर स्क्वायर. अब कहता है कि बी में आइलैंड में रहता है एक स्पीसीज बी जिसका है 179 पर किलोमीटर स्क्वायर. अब जब दोनों एक साथ रहता है, को एग्जिस्ट करते हैं, ये हो गया 297 पर किलोमीटर स्क्वायर एंड 150 पर किलोमीटर स्क्वायर. ये हो गया स्पीसीज ए, हो गया स्पीसीज बी. अब गौर से अगर आप देखेंगे तो जो रेशियो इसका इसके साथ है वही रेशियो इसका इसके साथ है अप्रॉक्सीमेट. ये 320, 179, ये है 297. इसमें कुछ रिडक्शन हुआ है, इसमें भी कुछ रिडक्शन हुआ है. तो इसका क्या एक्चुअली मीनिंग है? ये आपस में कॉम्पीट नहीं कर रहा. अगर आपस में कॉम्पिटिशन होता तो स्पीसीज ए या तो बड़ा ज्यादा हो जाता, स्पीसीज बी कम हो जाता, कोई ना कोई तो कॉम्पिटिशन में एक्सक्लूड होता ही होता. ऐसा नहीं है, ये सेम है. तो हो क्या रहा है, कम कैसे हुआ? अब फूड रिसोर्सेस इसके पास, पहले अलग अलग आइलैंड में पूरा फूड रिसोर्सेस था, ए के लिए इतना था, बी के लिए इतना था. अब ये आपस में आया तो ए और बी साथ में रहने लगा, तो फूड रिसोर्सेस बट गए. तो ये इंट्रा स्पीसीज जो है, इंट्रा स्पीसीज कॉम्पिटिशन शुरू हुआ. इसके कारण इसका आपस में ही नंबर कम हो, दोनों का अपने आप में नंबर कम हुआ. ये एक दूसरे को अफेक्ट नहीं किया है, ये आपस में इंट्रा स्पीसीज के कारण नंबर कम हो गए, इसीलिए एटलीस्ट रेशियो इसका एक जैसा है. जितना ए में अलग था, बी में अलग था, उतना ही ए भी जब साथ है तो रेशियो मैच कर रहा है. तो कौन सा ऑप्शन है? द टू स्पीसीज डू नॉट कम्पीट विथ ईच अदर. ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिशन नहीं है, कॉम्पिटिशन है बट उतना नहीं है, ये गलत है. द इंट्रा स्पीसीज कॉम्पिटिशन इज मोर इंटेंस देन द स्पीसीज कॉम्पिटिशन. ये सही है, इंटर भी है और इंट्रा भी है, लेकिन इंट्रा ज्यादा इंटेंस है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बी हैप्पी, बी हेल्दी. थैंक यू.